श्री रामचरित मानस पर बयान देने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वयं प्रसाद मौर्य के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है और साधु संत भी उनके विरोध में आ गए हैं। हालांकि सपा नेता अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने मंगलवार को एक बार फिर कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य और राष्ट्रीय महासचिव स्वयं प्रसाद मौर्य ने कहा कि गाली कभी धर्म नहीं हो सकती, धमकियों के बावजूद वो डटे रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन गाली देना धर्म नहीं हो सकता, किसी को अपमानित करना धर्म नहीं है। धर्म मानव कल्याण और मानव सशक्तिकरण के लिए होता है। उन्होंने कहा कि यदि धर्म के नाम पर किसी जाति विशेष धर्म विशेष का अपमान होता है तो वो धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। अयोध्या में हनुमान गढ़ी के महंत राजू दास द्वारा उनका सिर तन से जुदा करने वाले को 21 लाख का इनाम देने की घोषणा पर स्वयं प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस बयान से महंत का असली चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि साधु संतों को तो कभी गुस्सा आता नहीं है, और यदि कभी गुस्सा आ भी गया तो बैठे बैठे भस्म कर देते हैं। उन्होंने कहा कि यदि वे सच्चे साधु हैं तो मुझे बैठे बैठे भस्म कर सकते थे, इससे 21 लाख रुपए भी बच जाते। इससे पहले स्वयं प्रसाद मौर्य ने आज ट्वीट किया कि देश की महिलाओं, आदिवासियों, बहुजनों व पिछड़ों के सम्मान की बात करने से तथा कथित धर्म के ठेकेदारों को मिर्ची क्यों लग रही है? आखिर ये भी तो हिंदू ही हैं। क्या अपमानित होने वाले 97% हिंदुओं की भावनाओं पर अपमानित करने वाले 3% धर्माचार्यों की भावनाएं ज्यादा मायने रखती हैं? तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार।